हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं एच डी फॉर पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल बोल दें या बोल दें भैया केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो किसी न किसी रूप में यह सब्जेक्ट आप में है ही और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्टर जोड़ क्या होते हैं, यानी कार्टर ज्वाइन क्या होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह क्वेश्चन एक नकल जोड़ होता है, कार्टर जोड़, इन दोनों में से गाइस कोई न कोई एक पेपर में जरूर पूछता है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे दोस्तों अपनी तरफ से एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कार्टर जोड़ क्या होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। गाइस, ये बीटी यूपी का जो पेपर होता है, बीएमसी या बेसिक मैकेनिकल, आप सिविल इंजीनियरिंग या बीएमई भी कर लो, तो इसमें गाइस जो मैकेनिकल पोर्शन है, इसमें गाइस एक नकल जोड़ एक कार्टर जोड़ दोनों में से एक आना तय होता है। पिछली बार शायद नकल जोड़ आया था या कार्टर जोड़ एक आया था कोई, और इस बार भी एक आने के चांसेस है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नकल जोड़ के बारे में बताया, फिर आज के इस वीडियो में हम कार्टर जोड़ बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, इन जोड़ को जोड़ने से पहले अगर आप पिन के बारे में नहीं जानोगे तो आप इनको नहीं लिख सकते और नहीं जान भी सकते। इसलिए अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमने प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्टर जोड़ समझ लेते हैं क्या होता है, नकल जोड़ कार्टर जोड़। सबसे पहले मैं कहूंगा फिगर कैसे याद करोगे, इसका जो चित्र है, मैं कहूंगा आपसे सिर्फ ज्यादा नहीं 5 बार आज बना लेना है, यह का 5 बार नकल का आपने बना लिया होगा आई होप, तो आज 5 बार इसका कार्टर जोड़ का बना लीजिए, खाली 5 बार बनाना है। फिर अगले हफ्ते, मतलब उसके बाद 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस करना बिना देखे, फिर इसके बाद अगले हफ्ते तक 1 बार और 1-2 बार बना लेना, फिर इसी तरीके से महीने में बना लेगा, आपको भूलेगा नहीं और ये फिगर याद रहेगा। मैं आपसे दावा करता हूं, अगर फिगर याद रहेगा तो यार सब कुछ लिख लोगे और अच्छा खासा एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर इंप्रेशन बना सकते हो। तो इसलिए इस फिगर को 5 बार प्रैक्टिस करनी है आज के लिए, 2-3 बार देख कर करो और 2 बार बिना देखे करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आपको मतलब बना लेना है चारकोर फॉर्म में, फिर यहाँ से थोड़ा सा मिटा देना है, फिर इसके बाद इस तरह से खींच लेना है यहाँ पे और इस तरह से कर देना है, और यह किसको दिखाता है, क्षण को दिखाता है, या एक प्रकार से सॉफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्षण को दिखाता है। अब देखो क्या होता है, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा मिटा लेना और यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा करना और यहाँ पर थोड़ा कम, इस क्योंकि यहाँ पर कार्टर पिन लगानी है और इस तरह कार्टर की साइज़ बना देना यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बीच में एक देखो यहाँ जो आपका एक छोटा सा फॉर्म है वर्क टाइप का लेना है और यहाँ से मिलाते हुए यहाँ तक आ जाना है क्योंकि ये एक अलग सा छड़ है, और यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा बड़ा टाइप का करना क्योंकि स्पाई गार्ड का कालर लगा हुआ है और इसके बीच में डाट वगैरह दिखाना। यहाँ पे देखो सिर्फ लाइनें हल्की हल्की खींची गई हैं और यहाँ पे इस तरीके से खींची गई हैं, यह इस चीज़ को दिखाता है कि यहाँ एक दूसरी छड़ है और एक दूसरी छड़ है, इसके बीच में कार्टर को लगाया गया है। तो इस तरीके से फिगर को अलग किया जाता है क्योंकि पेपर में आप कलर पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आप इस सिंबल का लेकर के उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए समझिए क्या है, ये दोनों छण लगी हैं लास्ट में, यह क्या होता है, जो ये चीज है आपका, ये चीज है चिमटे टाइप का, यह आपका सॉकेट होता है, क्या होता है, सॉकेट होता है। और ये क्या होता है, ये देखो ये जो चीज होती है अंदर, यह इसको छण तो है लेकिन इसको बोलते हैं स्पाई गार्ड, स्पाई गार्ड बोलते हैं, और इस वाले जो चीज़ को जो ऊपर थोड़ा सा लगाया गया ना, ये स्पाई गार्ड का कालर लगा है। यह क्यों लगाया जाता है, ध्यान दो, जब इसको इसमें पेसोगे तो मतलब अंदर डालोगे इसके, जब ये अंदर जाएगा ये आपकी छण स्पाई गार्ड, तो क्या करेगा कि अब देखो यहाँ ये चीज़ नहीं लगेगी तो रोकेगी नहीं, तो बार बार चोट लगेगी पीछे चला जाएगा, जिसके कारण कालर कार्टर बैठने में दिक्कत होगी, जिस कारण से यहाँ लगा देते हैं यहीं पर आकर रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और हम कालर को कार्टर को लगा देंगे, तो इसीलिए करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, आइए कैसे लिखना है। देखिए जो कार्टर होते हैं वो सामान्यतः मतलब जनरली जो होते हैं एमएस यानी माइल्ड स्टील का आयताकार काट का तथा समान मोटाई की चपटी पतली फन्नी आकार का एक टुकड़ा होता है। ध्यान देना थोड़ा बड़ा वर्ड है लेकिन समझने की कोशिश करो, जो कार्टर होता है वो एमएस फ्लैट का बना होता है, एमएस का बना होता है, फ्लैट हमने नहीं लिखा, चपटा हो जाएंगे, तो यहाँ पे यमेस का माइल्ड स्टील का आयताकार काट का तथा समान मोटाई की चपटी पतली फन्नी आकार का टुकड़ा होता है। इसका एक सिरा यानी जो एक साइड होता है वो सीधा होता है तथा दूसरा किनारा जो होता है वह टेपरित होता है,
ठीक है, टेपरित रहता है। सामान्यतः जो टेपर रेशियो लेते हैं वह 1:24, 1:24 तथा विशेष स्थितियों में यह 1:8 हो सकता है। ध्यान देना टेपर रेशियो इसका। अब देखिए टेपर रेशियो इतना हो सकता है, कार्टर जोड़ में दो सिरा को अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है। जो कार्टर जोड़ होता है ना, इसके माध्यम से हम दो सिरों किसी को जोड़ना है तो हम क्या करें, अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है, जिसका एक सिरा साकेट कहलाता है और दूसरा स्पाई गार्ड का कॉलर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक सिरा क्या कहलाता है, इसका एक सिरा साकेट कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉकेट यहाँ दिखाया गया है और दूसरा क्या देगा, स्पाई गार्ड कहलाता है। देखा ना वही चीज, सिर्फ फिगर अगर याद रहेगा तो सब कुछ लिख लोगे, सिर्फ एक बार पढ़ने हैं आपको। अब देखो मैं आपको बता दूं अगली स्टेप क्या लिखोगे, जो कार्टर जोड़ होता है ना, कार्टर जोड़ को बनाने के लिए साकेट में, ध्यान दीजिएगा, कार्टर जोड़ को बनाने के लिए साकेट में स्पाई गार्ड को पेसा जाता है। ध्यान देना, स्पाई गार्ड में साकेट को पेसेंगे मतलब उसमें लगाते हैं, और दोनों भागों में बने टेपरी छिद्र में कार्टर पिन, वैसे तो कार्टर लिखा गया लेकिन कार्टर पिन है एक प्रकार की, ठीक है, तो कार्टर को क्या करेंगे, उसमें फिट कर देंगे। अब देखो कार्टर पिन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके बारे में समझो। कार्टर पिन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर तनाव व दबाव बल दोनों की पारेषित, मतलब दोनों को एक साथ पारेषित करना होगा, वहाँ पर हम करते हैं। आइए एग्जांपल को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा भैया करते कहाँ हैं। इसका जो प्रयोग है कंप्रेशर, जो आपका कंप्रेशर होता है ना, कंप्रेशन के कनेक्टिंग रॉड में करते हैं तथा वाल्व रॉड में करते हैं, इल फिक्सर में इत्यादि जगहों पर किया जाता है। मतलब जहां पर आपको तनाव और दबाव बल दोनों एक साथ पारेषित करना हो, ट्रांसफर करना हो, वहां पे आप इस जोड़ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल तरीके बनाता हूं। ये देखो पहले फिगर आपको दिखा दूं, ये देखो फिगर रहेगा और ये चीज मैं ले रहा हूं। अब इसकी मदद से यार हम लोग समझेंगे अच्छे से, देखो इस तरीके से। अब देखो ये क्या है, ये देखो एक प्रकार का जो सॉकेट है तो ये सॉकेट की तरह दिख रहा है, देखो इसमें छिद्र है, और ये क्या है, एक प्रकार का स्पाई गार्ड है। क्या हमने बताया कि सॉकेट जो होता है उसमें स्पाई गार्ड को क्या करते हैं, पेसा जाता है, मतलब इसमें लगा दिए जाते हैं। उसके बाद गाइस आपकी जो क्या होते हैं कार्टर होती है, कार्टर पिंस होती हैं, इसमें एक छिद्र बने होते हैं, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलेंगे एक्चुअल में, यहाँ पे एक पिन बनेगी, इसमें आप कार्टर को लगा देंगे। कार्टर नहीं किसी पैसे लगा करके छोड़ देंगे, नहीं, इसमें लगाने के बाद थोड़ा सा इस पर आघात भी पहुँचा देंगे, आघात मतलब चोट, हथौड़े से, हथौड़े जब कर दोगे तो थोड़ा सा इसमें फिट हो जाएगा। और इसकी मदद से यार अब जब आपको पता है कि भैया इसमें थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट नहीं होगा, तो सीधे हम तनाव बल भी कर सकते हैं इस तरह पीछे खींच करके, और दबाव बल भी दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं कार्टर जोड़ की मदद से। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कार्टर जोड़ क्या होते हैं, क्या उपयोग है, कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए, और बता दूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।